Hello dear all, welcome back. So now we are discussing another important problem. तो इस problem में आपको करना क्या है, वही identities यहाँ पे लगनी है, but यहाँ पे आपको बहुत carefully work करना है बेटा. तो आपको exactly करना क्या है, यहाँ आप इस a plus b को है ना, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बड़ा congested लग रहा है तो मैं अपने जब LHS को solve करूँगा तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं इस a प्लस बी को यहाँ पे कोई वैल्यू लेट कर लेता हूँ, लेट से वो है x, है ना. तो आपको इस क्वेश्चन में इन तीनों में से किन्हीं भी दो को एक एलिमेंट यानी एक ही क्वांटिटी बनानी पड़ेगी. तो मैं यहाँ पे a और b को x एज्यूम अगर कर लूँ तो यही क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है x प्लस सी का होल क्यूब और बाकी यहाँ पे बचा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड माइनस का सी क्यूब. ठीक है, अब क्या होगा अगर मैं ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला खोलूं तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. फिर आपने देखा है आप लोग क्या करते हो, थ्री एक्स इंटू सी यानी ए बी और फिर यहाँ पे ए प्लस बी लिख देते हो, है ना. आप इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हो कुछ ऐसा और यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब एज इट इज़ है. तो आप लोग रियलाइज़ करोगे जो सबसे पहला चीज़ आपने यहाँ देखा, यहाँ पे सी क्यूब से ये सी क्यूब हो गया कैंसिल. गॉट इट. सो नाउ द क्वेश्चन इज कन्वर्टेड टू दिस थिंग. अब इन चीज़ों का क्या मतलब है वो यहाँ पे समझते हैं. तो अब एक्स का वैल्यू मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ए प्लस बी, आपको पता है यहाँ ए प्लस बी आएगा और उसका होल क्यूब है क्योंकि एक्स की वैल्यू को मैं यहाँ ए प्लस बी डाल रहा हूँ. फिर आपके पास यहाँ पे क्या बचा, थ्री थ्री इंटू एक्स, एक्स आपका क्या है, एक्स आपका ए प्लस बी ही है बेटा, इंटू सी यहाँ पे और हो रहा है और यहाँ ब्रैकेट में एक्स की जगह लगा ए प्लस बी प्लस सी. गॉट इट. और यहाँ पे आपका लिखा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब. अब मेरा अगले क्वेश्चन में ये है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चीज़ों को ऑब्ज़र्व करूँ तो a प्लस बी इसमें भी कॉमन है और इस पूरे में भी कॉमन है. तो अगर मैं a प्लस बी को यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ इस पूरे a प्लस बी को, ठीक है. अच्छा, आपको कॉमन नहीं भी लेना है तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, चलो कॉमन नहीं लेते हैं, इसको थोड़ा और ईजी बना देते हैं. मैं क्या करता हूँ, मैं इस फॉर्मूले को ही ओपन कर देता हूँ यार यहाँ पे, ठीक है. मैं इस फॉर्मूले को ही अगर ओपन करूँगा तो ये बनेगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, है ना, और ए प्लस बी ये आपका बचेगा. और ये पूरा का पूरा मैं भी ऐसे ही लिख देता हूँ, थ्री इंटू ए प्लस बी इंटू सी और ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, है ना. और ये माइनस का ए क्यूब और माइनस का बी क्यूब. अब आप नोटिस करो ये माइनस का ए क्यूब है ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये आपका बी क्यूब है ये भी आपका कैंसिल आउट कर देगा. अब घूम फिर के आपके पास बचा सिर्फ ये फैक्टर. अब यहाँ से अगर देखो आप कॉमन आ रहा हो तो आप रियलाइज़ करोगे यहाँ से थ्री और ए प्लस बी जो है वो कॉमन आ रहा है दोनों से और आपके पास एट लास्ट यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, अगर थ्री और ए प्लस बी कॉमन आ गया तो अंदर बचा बस ए बी और यहाँ से भी थ्री और ए प्लस बी कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा, सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी. यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट को. अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा थ्री इंटू ए प्लस बी और यहाँ पे अगर मैं अभी सी का इंटू दोनों से करूँ तो ये बन जाएगा आपका ए बी प्लस सी ए, है ना, सी इंटू ए सी इंटू बी सी इंटू सी और ये बन जाएगा आपका सी बी प्लस सी का होल स्क्वायर. गॉट इट. यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होगा आप लोगों को. अब यहाँ पे बस मुझे चीज़ों को कॉमन लेना आना चाहिए और माय क्वेश्चन इज़ डन. अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ से एक चीज़ जो कॉमन आ सकती है वो है ए, तो ये क्या बना, ये बना आपका बी प्लस सी और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से आपका सी कॉमन आया तो ये भी बना आपका बी प्लस सी. कोई डाउट तो नहीं है. अब इस दोनों में भी, अब इन दोनों में भी आप देखो बी प्लस सी कॉमन है तो अगर मैं उसको बाहर ले लूँ
तो बी प्लस सी आपका कॉमन बाहर आ गया है ना, और ए प्लस सी अंदर रह जाएगा। तो आप इस चीज़ को, ये जो चीज़ यहाँ पे थी, इस पूरे को अगर आप लोग चाहें तो यस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी तो ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे था ही। सो विद दिस वे योर एल एच एस बिकम्स इक्वल टू योर आर एच एस एंड योर आंसर इज डन। होपफुली समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। फिर भी कोई डाउट रहता है तो क्लास में आप लोग फिर से पूछ सकते हैं। थैंक यू।